नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर का यूट्यूब चैनल उत्तराखंड यूपी। मैं आपके सामने रुद्रपुर से अपने सहयोग गिरधर राव के साथ भास्कर पोखरियाल। एक बहुत बड़ा मामला यहां पर अब यह हो गया है कि स्टार इमेजिंग नाम की एक कंपनी जिसने कुंभ मेले में कोविड 19 की जांच के लिए पूरा राज्य सरकार के साथ करार किया था, उसका एक चौंकाने वाला मामला अब ऊधम सिंह नगर में भी हो गया है। ऊधम सिंह नगर के किच्छा तहसील क्षेत्र के पुल भट्टा सीमावर्ती क्षेत्र में इस कंपनी ने पर ये आरोप लगे हैं कि जो हरिद्वार कुंभ मेले में जिन यंत्रों को इस्तेमाल कर दिया था उन्हीं को दोबारा से यहां पर भी जांच में इस्तेमाल किया गया है। मामला बहुत तेज़ से गर्मा गया, विपक्ष को यह मामला मिल गया है। हालांकि इसमें तत्काल जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है, लेकिन अब मामला सियासत को लेकर के तेज़ी से गर्मा रहा है कि कोविड जैसी महामारी में अगर राज्य सरकार के साथ जिस संस्था ने इतना बड़ा करार किया है, आखिर ऐसा क्या मजबूरी उस संस्था की रही है कि जब हरिद्वार कुंभ में जो जांच में जो यंत्र उपयोग किए गए थे और जिनको डस्टबिन में दे देना चाहिए था या रद्दी के रूप में उनको नष्ट करना चाहिए था, उन्हीं को दोबारा से यहाँ के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इस्तेमाल करा गया है। सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि ऊधम सिंह नगर जिला बहुत ही संवेदनशील है और उत्तर प्रदेश के 4-5 जिलों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा से भी जुड़ा है। कितने लोग संक्रमित होकर निकल गए होंगे इस पर बहुत बुरी चिंतन का विषय है। और अब यह जिला प्रशासन के साथ ही अब जो है ये राज्य सरकार के लिए भी गले की फांस बन गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलेगी इसी मामले को लेकर आनन फानन में कल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी जिले का भ्रमण करेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी सीएम का कोई प्रोटोकॉल प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष को यह मुद्दा मिल गया। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व दर्जा मंत्री गणेश उपाध्याय जी का। किच्छा पुल भट्टा जो उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, यूपी का बॉर्डर है, तो आज देखिए वहाँ कोरोना टेस्ट किए जाते हैं। जो हरिद्वार में महाकुंभ में यूज किए कोरोना किट, वही यूज जो हमारे उत्तराखंड अंदर आ रहे थे उनसे यूज किया जा रहा था, उनसे टेस्ट किया जा रहा था। ये गंभीर मामला है। हम मेरे इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को मैंने मेल भी कर दिया गया और मुख्य सचिव से टेलीफोन मेरी वार्ता भी हुई। मैंने स्पष्ट उनसे कहा आज जो निजी लैब जिन्हें क्या क्या टेंडर हरिद्वार से लेकर यहाँ मिला हुआ है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और ये डिपार्टमेंट जो मॉनिटरिंग कर रहा था वो डिपार्टमेंट क्यों सोया था? आज किसी अगर इस कोरोना टेस्ट की वजह से कोई कोरोना होकर किसी डेथ से जिम्मेदार कौन रहेगा? तो उन्हें भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।